नमस्कार, नवा टैब्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। राजधानी रांची की 5 प्रमुख गतिविधियां आज इस तरह रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामनवमी के मौके पर रांची के निवारणपुर स्थित तपोवन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और राज्यवासियों के सुख समृद्धि ये भगवान राम का आस्था है, उसके शरीर में इतनी ताकत भरती है कि कोसों दूर लंबी चल चल करके आज इस धर्म स्थान पर पहुंचता है। ये भारतवर्ष का ये अद्भुत और एक अदृश्य ऐसी ताकत हमें एक दूसरे से बांध रखा है, जहां आज हम लोग इतने बड़े पैमाने पर एकत्रित होते हैं। मेरी ओर से आप सकुशल आज इस धर्म स्थान पर माथा टेके भगवान का आशीर्वाद लें, प्रसाद लें और निश्चित रूप से हम सब सुख समृद्धि का इंसान भूखा होता है। आपका पूरा परिवार, राज्य का, देश का हर समाज, हम सब सुख समृद्धि के साथ निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। रामनवमी को लेकर जगह जगह जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं के लिए शिविर लगाकर शीतल पेयजल, शरबत और गुड़ चना उपलब्ध कराया गया। इसी क्रम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा डोरंडा शाखा की ओर से भी आयोजित स्वागत शिविर में रांची के SSP और कई समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। इधर राज्य में पंचायत चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा, वहीं पंचायत चुनाव में EVM की जगह मतपत्रों का प्रयोग किया जाएगा। भारत सरकार और जिरेडा द्वारा राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको किसी घर में वो बल्ब देखने को मिले, शायद उसकी जगह क्या ले लिया है, तो सबको मालूम है LED 4 वाट 8 वाट, तो आप सीधा 90 वाट ऊर्जा का खपत का बचत किया। हम सीधे और साफ और व्यावहारिक शब्दों में और तथ्यों से आपको अवगत कराना चाहते हैं। अब क्या है कि जब हमने 90 वाट एक बल्ब में बचत किया, फिर भी हमारा खपत जो मान लो कि 2500 मेगावाट का है वो घट नहीं रहा, तो हमें और भी प्रभावी ढंग से अपने खपत पे जो है संरक्षण का उद्देश्य लागू करना। तो अब अन्य क्या उपकरण बन जाते हैं, हमारे पंखे हैं, हमारे एयर कंडीशनर हैं, हमारे बिल्डिंगों की लिफ्ट है, हमको अपने ये जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं उसके लिए हमको रेगुलेशन लागू करना है कि वो बिल्डिंगें ज्यादा से ज्यादा ठंडी रहे, कम से कम ऊर्जा में गर्म हो जाए, जो हम गीजर इस्तेमाल करते हैं वो B-rated हो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अपने मानक है, जो 5-star रेटिंग के बिजली उपकरण हो हमारे। ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा पवित्र त्यौहार खजूर पर्व परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजधानी रांची के ईसाई धर्मावलंबी बड़ी संख्या में हाथों में खजूर की डाली लेकर जुलूस निकालकर गाजे बाजे के साथ अपने गिरजा घर पहुँचे। खजूर इतवार या पाम संडे के साथ ही ईसाइयों के लिए पुण्य सप्ताह की शुरुआत होती है। ऑनलाइन के लिए रांची से मैं रवि सिन्हा। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की, खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए।
तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।